जनपद संभल की चंदौसी में अपनी मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने की हड़ताल। जनपद संभल की चंदौसी में 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हुई। हड़ताल के विषय में 102 एम्बुलेंस पर चालक के रूप में तैनात अरुण कुमार ने बताया कि वो जीवीके कंपनी श्रम विभाग द्वारा कराए गए समझौते को नहीं मानते हैं तथा कर्मचारी को वेतन भी कटौती करके देते हैं। हमारा पुराना टेंडर भी रद्द करके नए सिरे से टेंडर निकाला गया है, जिससे हमारी वरिष्ठता भी खत्म हो गई है, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल की घोषणा की है। आपका पायलट अरुण कुमार, किस गाड़ी पे आप पायलट हैं? मंजीरो 2 पे पायलट हैं। क्या मामला है, कैसे हड़ताल पर हैं आप लोग? हड़ताल पर हम लोग इसलिए, एक तो श्रम विभाग द्वारा जो समझौता हुआ था वो कंपनी नहीं मानती है, वेतन कट करके आता है, वेतन महीने के लास्ट में आता है, दो महीने हो जाते हैं सर जी, हम लोगों को वेतन नहीं मिलता। इस कोरोना महामारी संकट में हम सही बंजीरो रोड 2 के एमटी पायलट बड़ी पूर्ण रूप मोहनस ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वेतन कटौती सर। हम लोगों को जो पुराना टेंडर था जीवीकेएमवाई जन सुरक्षा योजना की, उसको निकाल कर अब यूपी मदर चाइल्ड सर्विस के नाम से कर दिया गया, जिसके हम लोगों की पुरानी वर्कर होने की जो एक प्रक्रिया थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी, हम लोगों को नया वर्कर बना दिया, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। कुछ भाइयों की हमारी सैलरी 4500 आई, एक हमारे एमपी जी हैं उनकी 10 रुपये मात्र सैलरी आई। अगर ऐसा क्यों, कम क्यों आई इतनी? पता नहीं है, हम अपने अधिकारियों से बात करते हैं एमईपीएम से, तो वो कहते हैं हमने अटेंडेंस पूरी भेजी है, बाकी कंपनी जाने नकलों वाले जाने कि सैलरी कम क्यों आई, उनसे बात कीजिए। जब हम लोग वहाँ बात करते हैं वहाँ हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये आपकी हड़ताल प्रदेश में कहाँ कहाँ चल रही है? अभी आल यूपी में चल रही है। हमारी प्रदेश कमेटी 5 दिन लगातार नखलऊ एचआर हेड ऑफिस के सामने बैठी रही, उनसे कोई भू हड़ताल पर कोई रिस्पॉन्स, कोई बातचीत नहीं हुई की गई अधिकारियों द्वारा, ना ही कंपनी कोई बात मानने को तैयार है, ना ही हम लोगों को उसको बात करनी, ना ही कोई प्रोत्साहन राशि दी गई है, ना ही हम लोगों को सुरक्षा किट दी जाती है। हम लोग बेहद परेशान हैं, सभी कर्मचारी परेशान हैं। पता लगा है कि कल 1600 कर्मचारियों का जो एक साल दो साल पहले टर्मिनेट हो गए थे, उनका पैसा जीवीके गवर्नमेंट से ले रही है, जिसका करोड़ों के हिसाब से अनुमान बनता है, ये कल खुलासा हुआ। और आप किसी मंत्री से या किसी और अधिकारी से मिलने के प्रयास किया, बात हुई आपकी? हमारी प्रदेश कमेटी हर जगह स्वास्थ्य मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी से सभी जगह लेटर दिया गया, वार्तालाप की गई, स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि आप हमारे राज्य कर्मचारी नहीं, आप एक ठेका प्रथा कर्मचारी हो, अपने ठेकेदार जीवीके कंपनी से बात कीजिए। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हम लोगों की सुनवाई नहीं होती, ना कोई देख रेख, ना कोई सुरक्षा के, वो दो पीएफ अकाउंट बना दिए गए, जो पीएफ अकाउंट एक होना चाहिए था वो पीएफ अकाउंट दो बना दिए गए, पीएफ निकालने में ये दिक्कत हो रही है।